हेलो फ्रेंड्स, अभी गर्मियाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना दोस्तों कि अचानक से मुझे आज याद आया कि मेरे कॉलेज के बाहर एक भैया बैठा करते थे। वो गोले वाला आइसक्रीम होता है ना, वो बेचते थे। वो उनके पास तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स रहता था, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा था काला खट्टा। वैसे आप लोगों में से जिन लोगों ने ट्राई किया है काला खट्टा, आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज्यादा चटपटा और टैंगी होता है काला खट्टा। वैसे आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो काला खट्टा बनाने के लिए आज मैंने यहाँ पे काला जामुन ले लिया है दोस्तों। वैसे भी जामुन अभी सीजन में है, तो आप इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। तो मैंने जामुन के सारे बीज निकाल लिए हैं, उसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक, थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चीनी, और यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए इसे जलजीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने। सभी चीजों को हम बिना पानी इस्तेमाल किए मिक्सी में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा स्मूथ सा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने पॉप्सिकल स्टैंड्स ले लिए दोस्तों। अगर आपके पास ये ना हो तो चाय पीने वाला जो डिस्पोजेबल कप आता है ना, आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं। बस आपको सारे कप्स में इसे भर लेना है, फिर इसे ढक के फ्रिज में हम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, या जब तक ये अच्छे तरीके से जम ना जाए। वैसे दोस्तों, गर्मियों में लंच करने के बाद दोपहर के समय में चुस्कियाँ लेने का मजा ही कुछ अलग है। तो आप भी फटाफट से इस काले जामुन पॉप्सिकल्स को या काला खट्टा गोला, आप जो भी इसे कह ले, इसे बनाए और इसकी चुस्कियाँ ले। ये देखिए, 7 से 8 घंटे का समय हो गया है और हमारे पॉप्सिकल्स अच्छे सेट हो गए। मैंने इसे थोड़ा सा पानी में डाल दिया था ताकि ये इसे निकालने में आसानी हो। और ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। खाने में ये उतनी ज़्यादा चटकदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।